परवीन कहती है कि मैं अपने शौर की दूसरी बीवी हूँ वो मेरे हकूक़ अदा नहीं करते क्या मैं उनसे तलाक ले सकती हूँ कोई वजीफा बता दें वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहाम टी वी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया बिल्कुल अगर हकूक़ अदा नहीं करते तो बिल्कुल आप तलाक़ लेने का हक रखती हैं यानी आप उनसे खुला मांग लें और क्या क्या आप मुझे तलाक दे दे मुझे आपके साथ नहीं रहना क्योंकि जब उनको इतना शौक था दूसरी बीवी दो शादियाँ करने का तो उसके हक तो अदा करें ये कुरान में हुक्म है कि अगर हक नहीं अदा कर सकते तो फवाद एक ही शादी काफ़ी है लेकिन अगर जो है वो हक अदा कर सकते तो इंसाफ कर सकते हो और तुम्हें ज़रूरत भी है क्योंकि दूसरी शादी की इजाज़त तो कंडीशनल है वो वह इंसाफ के साथ इंसाफ आप कर सकते हैं और आप ज़रूरत भी महसूस करते हैं कि मुझे एक और बीवी चाहिए तो फिर आप हक अदा करें हदीस में आता है कि जिसकी दो बीवियाँ होंगी वो इस हाल में जब वो अल्लाह तबारक तारा के सामने पेश होगा तो उसका एक कंदा झुकाव होगा और यूँ कुबड़ा बन के जो अल्लाह के सामने पेश होगा और उसका हिसाब किताब होगा दोनों बीवियों के हवाले से हकूक़ व फ़रैज पूछे जाएंगे अगर इसे अदुलानसाफ़ से काम लिया होगा तो उसकी कैफियत को बहाल करके जनल में दाखिल कर दिया जाएगा और अगर उसने दोनों बीवियों में किसी एक के ल्म ज़्यादा की होगी जैसे आप बता रही आपके हकूक अदा नहीं कर रहा तो आपको दो कर तकलीफ है तो यह अगर होगा तो इसी तरह ये झुके हुई हालत में इसी कुबड़ा हालत में उसको मुझ में डाल दिया जाएगा इसलिए दो बीवी वाले सोच रहे हैं कि बजाय तो बड़ी अच्छी सी बात लगती है कि दो बीवी हैं आपके पास लेकिन मामला है बड़ा नाजुक अगर अदल इंसाफ में कमी रह गई तो फिर आप जो जा है वो जन्म का अंदर बने क्योंकि और फिर रास्ता नहीं है तो इधर से एडवांटेज आप ले रहे हैं लेकिन वहाँ सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है नज़ाकत है मामले इस अजह की मूलूत मुझद मिलत मौलाना शीब अली थानवी रही ने दो बीवियाँ की थी तो किसी ने सवाल कर दिया कि हजरत आपने दो बीवियाँ करके आपने दो शादियों का रास्ता खोल दिया है दरवाज़ा खोल दिया है और मैं खोला नहीं बंद कर दिया है है बंद कैसे कर दिया आपने दो शादियां की हैं तो दो शादियां करके दरवाज़ा बंद कैसे होगा कहा दो शादियां करके तो बंद किया है दो शादियां करके इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि कभी दो शादियां नहीं कर रहा तजर्बे तो की कहते बात कर रहा हूं एक ही अच्छी बीवी मिल जाए चुप करके उसका निभाओ जन्नत का सामान है और आखिरत की फिक्र करो बस और दुनिया में वक्त की पे अपनी हलाल रोटी कमाओ लेकिन फरमाया दो शादियां करके समझ में आ गया कि आसान नहीं है फरमाया कि इस कदर और याद रखना पड़ता है यानी हजरत इतने इस बारे में जो कॉन्शियस थे कि आप दोनों बीवियों में किसी में कोई कमी बेशी ना हो जाए क्योंकि आखिर में पूछ हो जानी है सारा इल्मा रह जाएगा तो हजरत यहाँ तक कि एक मरतबा दो तरबूज ले आए पाँच पाँच शेर के धड़ी धड़ी के दो तरबूज दो तरबूज लाए बड़े एक पहली बीवी को बड़ा घर कहते थे दूसरी बीवी को छोटा घर कहते थे कि ये छोटे घर में पहुंचा दो ये बड़े घर में पहुंचा दो यहाँ तक कि दोनों के कपड़े भी सेम लाते थे एक ही डिज़ाइन एक ही जैसे कपड़े दोनों के लेकर आते थे ताकि कमी बेशी ना हो जाए कि एक को कीमती एक को सस्ता एक को अच्छे रंग वाला दूसरे को फीके रंग वाला दे दिया इतना लिहाज रखते थे अब ये मुस्तकल एक टेंशन ही है तो तरबूज लाए और फिर छुरी मंगवा के उन दोनों को आधा आधा काटा तो दो जो फाड़ियाँ एक के बड़े भर के घर में भेज दी, दो फाड़ियाँ छोटे घर में भेज दी तो खुदाम ने पूछा कि हजरत दोनों पाँच पाँच शेर के थे दोनों धड़ी धड़ी के हैं हमारे शहरों में धड़ी का भी एक उनवान चलता है, तो इनको आधा-आधा करने की क्या जरूरत है दोनों हम वजन तो हैं तो मैं कह नहीं हो सकता जब काटें एक का सुर्ख निकले एक का सफ़ेद निकले एक का मीठा निकले एक का फीका निकले तो हालांकि शरण इन पर इतनी ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप उसको भी काट के दें हाँ हम वज़न दे दिए बाकी उनकी किस्मत लेकिन आप इसमें भी याद रखते थे कल रोज़ क़्यामत में मुझसे ये पूछना हो जाए आप उस पर बराबर आधा आधा काटे काट के दो फाड़ियां वहाँ भेजी ताकि दोनों को बराबर तरह का जायका मिल जाए इसलिए नाजरीन दो शादियां करना लगता अच्छा है लेकिन यह कि यह कंडीशनल कि है अदल इंसाफ के साथ और अदल इंसाफ आसान काम नहीं है और हम जैसे लोग इंसाफ करेंगे कि जो ख़ुद अपनी ज़ात के साथ इंसाफ़ नहीं कर पाते अपने रब कायन के साथ इंसाफ़ नहीं कर पाते वो ज़रूर दो बीवी में इंसाफ़ करेंगे इसलिए भी सोच समझ के शादियाँ किया करो दो लेकिन जो इन साहब ने जो हरकत कर रखी है उस बुनियाद पर अगर आप तलाक लेना चाहती हैं तो आपके हकूक़ अदा नहीं करते और आपके फितने में पढ़ने का भी ख़तरा है और ज़हरा आप चाहती हैं कि आपके हक अदा करें तो लिहाजा अब आप बिल्कुल इजाज़त है आप उनकी खुला लेके अलग हो सकती हैं अब उसके लिए वजीफ़ा क्या बताएँ तो वजीफ़ा नोट कर लें जिससे अल्लाह तबारक व वाले आपके लिए आसानी का रास्ता खोल दे उसके लिए आप जो सुरो क्रेश सर वैश आपने मगरब के बाद सेवनटी वन टाइम पढ़नी है सेवनटी वन टाइम सुरो कुरेश पढ़नी है अला की ग्यारह मरतम्रशीब यह पढ़ के दुआ करते रहना है इन श रहमत से जो है वह को कामयाबी हो जाएगी